तो बच्चों कक्षा 12 विषय गणित की प्रश्नावली 7.5 के अगले प्रश्नों के साथ हम हाजिर हैं। इससे पिछली वाली वीडियो में हम प्रश्न संख्या 8 तक कर चुके थे। प्रश्न नंबर 9 में है इंटीग्रेशन 3x+5/(x³ + x²) - 1। इसको थोड़ा सा संशोधित में और करते हुए इसे मैं 3x+5 सबके बट्टे यहाँ से मैं x² कॉमन लूँगा, तो यहाँ x-1 और +1 यहाँ से कॉमन लूँगा, तो x-1 और ये चलता रहेगा dx। यहाँ से मैं हल करता हूँ 3x+5/(x-1) और x²+1 dx। अब इसको मैं अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग फर्स्ट पार्ट को a/(x-1) dx प्लस इस जगह पर 3x+5, अब यहाँ x² है तो इस जगह पे क्या आएगा bx+c/(x²+1) dx। इस जगह पे समीकरण k मान लेते हैं, क्या कर लेते हैं k मान लेते हैं। अब इसको जब हम हल करेंगे तो इसको थोड़ा सा शॉर्ट रूप में 3x+5 / x-1 x²+1 = a/(x-1) + bx + c/(x²+1) इसका मैं एलसीएम लेता हूँ x-1 x²+1, इस तरह से मैंने कर दिया है। अब इससे जब मैं डिवाइड दूंगा तो ये वाली संख्या इसकी तरफ जाएगी, तो यहाँ क्या हो जाएगा a x² + 1 + अब इस जगह पर क्या आएगा x-1 और ये हो जाएगा bx + c। इतना करने के बाद इसका ये एलसीएम से ये एलसीएम कट जाएगा। अब काटने के बाद हम क्या करते हैं, इसका अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखिए ax² + a, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो bx² + cx - bx - c = कितने के बराबर मिलेगा मुझे 3x+5। अब इतना करने के बाद x² का और कोई फंक्शन नहीं है तो इसके कंपेरिजन करता हूँ, तो a+b = क्या होगा, इधर x² है नहीं तो 0 हो जाएगा। ये हमारी क्या बन गई समीकरण फर्स्ट। अब x वाले देखते हैं c, b और अंत कहीं है नहीं, तो c-b = x की वैल्यू कितनी है इस जगह पर 3, वैल्यू नहीं कहेंगे क्योंकि कोफिशियंट है। अब इसके बाद अचर पद देखते हैं तो a-c = कितना है हमारा 5, समीकरण थर्ड। अब हम देख रहे हैं कि इसी में हमारी कैलकुलेशन प्राप्त हो रही है, तो मैं इससे इसको जोड़ने पर काट देता हूं, तो ये क्या बचेगा a-b = 8, ये समीकरण 4 हो जाएगी। अब 4 और फर्स्ट को जैसे ही हम हल करेंगे तो a+b = 0, यहाँ से देखिए ये कट जाएगा, 2b = कितना मिलेगा 8, तो b = कितना हो जाएगा 4, हाँ तो इस जगह पर 2a बनेगी बच्चे, 2a = 8, तो a बराबर कितना हो जाएगा 4। अब ये a का मान समीकरण फर्स्ट में रखते हैं, a का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर तो a+b = 8 है, तो इस जगह पे 4+b = इस जगह पे क्या है 0, तो 0 करने के बाद ये क्या हो जाएगा 0-4, तो b का मान हमें -4 मिलेगा। अब b का मान हम समीकरण सेकंड में रख देते हैं, b का मान समीकरण सेकंड में, तो इस जगह पर समीकरण सेकंड क्या है c-b = 3, इस जगह पर देखेंगे कि c-b = 3 है, तो अब c-4 = 3, तो c+4 = 3, तो c = 3-4, तो c = कितना बनेगा -1। अब इतना करने के बाद अब हम इसमें क्या करते हैं कि इसको रखते हैं इस जगह पे
ए कॉमा बी तथा सी के मान समीकरण के में रखने पर। तो समीकरण के क्या है हमारा, इंटीग्रेशन 3x प्लस 5 बटे एक्स माइनस 1 और क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स, इंटीग्रेशन ए बट्टे एक्स माइनस 1 डी एक्स, इंटीग्रेशन बी एक्स प्लस सी बट्टे और एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स। इस जगह पे हम एक ही वैल्यू को सुशोभित कर देंगे तो ए का मान कितना है 4 तो प्लस बी का मान कितना है हमारा, हमने निकाला है माइनस का 4 तो माइनस 4 एक्स बट्टे और सी का मान कितना रखा है हमने माइनस का 1 बट्टे एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स। और आगे हल करते हैं तो इंटीग्रेशन 4 बट्टे एक्स माइनस 1 डी एक्स, इसको दो पार्टों में तोड़ देते हैं 4 एक्स बट्टे एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स माइनस 1 बट्टे एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स। अब थोड़ा सा इसको साफ कर लेते हैं, तो अब यहाँ से जो सवाल था 4 बट्टे एक्स माइनस 1 तो इसको हम क्या कर देंगे 4 लॉग एक्स माइनस 1। यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ कि माइनस 4 कॉमन ले लेंगे एक्स बट्टे एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स माइनस 1 बट्टे 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो 4 लॉग एक्स माइनस 1, इसको देखिए इस जगह पे हम क्या कर रहे हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर टी तो 2x dx बराबर dt, तो हमें मान dx का चाहिए तो dx बराबर dt बट्टे x dx बराबर dt बट्टे 2। तो इस जगह पे माइनस 4 बट्टे 2 1 अपॉन t dt, इस जगह पे हमने t माना था। और इसको जब हम करेंगे तो बच्चे ये हमने पढ़ रखा है कि tan इनवर्स x प्लस c, इंटीग्रेशन 1 बट्टे 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स अगर मिलता है तो उसे हम क्या कर देते हैं tan इनवर्स x कर देते हैं। तो यहाँ से देखिए 4 log x माइनस 1 माइनस, इससे ये कट जाएगा दो बार, 1 अपॉन t का log t माइनस tan इनवर्स x और प्लस अचर पद c जोड़ देते हैं। अब इसमें हमें कैलकुलेशन मिल रही है तो इसे हम क्या करेंगे कि 4 log x माइनस 1 माइनस 2 log t का मान कितना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस tan इनवर्स x प्लस c। अगर चाहें तो हम इसी जगह पर छोड़ सकते हैं और यहीं छोड़ देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सवाल सही हो जाए। प्रश्न नंबर 10वां है, इसको जब हम हल करते हैं तो इसको भी देखिए 2x माइनस 3, इसके जब हम फैक्टर करेंगे तो x माइनस 1 x प्लस 1 और 2x प्लस 3, इस तरह से ये चलेगा dx। तो इसको हम हल करते वक्त a x माइनस 1 dx प्लस b x प्लस 1 dx प्लस इंटीग्रेशन c बट्टे 2x प्लस 3 dx कर देते हैं। अब इसको हम समीकरण k मान लेते हैं। अब इसको जब हम हल करते हैं x माइनस 1 x प्लस 1 2x प्लस 3 बराबर a बट्टे x माइनस 1 b बट्टे x प्लस 1 प्लस c बट्टे 2x प्लस 3। इतना सब कुछ करने के बाद इसका हम LCM लेते हैं x माइनस 1 x प्लस 1 और 2x प्लस 3। यहाँ जब इससे इसको कट कर देंगे तो इसके साथ x प्लस 1 और 2x प्लस 3 a लगेगी, प्लस इसके साथ b करेंगे तो इसे छोड़ने के बाद x माइनस 1
और 2x प्लस 3 प्लस सी एक्स माइनस 1 और x प्लस 1, इस तरह से ये कर दें। अब हमारा इससे ये तो कट जाएगा, आगे क्या बचेगा, 2x माइनस 3 बराबर एक्स प्लस 1 और 2x प्लस 3 प्लस एक्स माइनस 1 2x प्लस 3 प्लस इस जगह इसके साथ b था बच्चे प्लस b और इसके साथ a और यहाँ पर c x माइनस 1 और x प्लस 1। अब इसमें हम समीकरण नहीं बना रहे हैं, हम इसमें रख रहे हैं कि x प्लस 1 बराबर 0 यद लगा करके, क्या तब x इक्वल टू क्या आएगा, माइनस का 1। तो यहाँ से रखना शुरू करते हैं, 2 इंटू माइनस 1 माइनस 3। अब देखिए यहाँ मैं 0 रखूँगा तो ये पूरा पद 0 हो जाएगा, इसके यहाँ पर 0 रखूँगा तो ये केवल ये बचेगा प्लस b, इस जगह पर रखेंगे माइनस 1 माइनस 1 और 2 इंटू माइनस 1 प्लस 3 और यहाँ जैसे ही 0 रखूँगा तो ये पूरा पद 0 हो जाएगा। तो देखिए माइनस 2 माइनस 3 इक्वल टू बी इंटू माइनस 2 और इंटू क्या लगाएंगे, माइनस 2 प्लस 3, तो ये क्या बचेगा, माइनस का 5 इक्वल टू बी माइनस 2 इंटू 1, तो माइनस 2 बी इक्वल टू माइनस का 5, इससे ये कट जाएगा तो बी बराबर कितना आ जाएगा, 5 बट्टे 2, कितना आ जाएगा, 5 बट्टे 2। पुनः अब मैं क्या कर रहा हूँ कि x माइनस 1 बराबर 0 तो x बराबर कितना आएगा, 1। तो अब जहाँ जहाँ 1 है, x माइनस 1 है उस जगह पे 0 हो जाएगा। तो अब देखिए 2 इंटू इस जगह पे रखूँगा 1 माइनस 3 बराबर, अब देखिए इसमें माइनस 1 नहीं है तो यहाँ क्या रहेगा, a 1 प्लस 1 और ब्रैकेट में 2 इंटू 1 प्लस 3 और आगे देखिए मैं यहाँ 0 रखूँगा तो ये पूरा पद 0 हो जाएगा और इस जगह पे 0 रखूँगा तो ये भी पद 0 हो जाएगा। तो 2 माइनस 3 बराबर a इंटू 2 इंटू 2 प्लस 3, तो माइनस 1 बराबर a इंटू 2 इंटू 5, तो 10a बराबर माइनस 1, तो a इक्वल टू माइनस 1 बट्टे 10, ए की वैल्यू ये हो जाएगी। अब इतना करने के बाद पुनः मैं अब रखता हूँ इस जगह पर, पुनः अब कौन सा बचा है हमारा, 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो x बराबर माइनस 3 बट्टे 2, माइनस 3 बट्टे 2 अब इस जगह पर रखेंगे, देखिए ये है तो देखो 2 इंटू माइनस का 3 बट्टे 2 और माइनस 3 बराबर। अब हम इस जगह पर देखते हैं, देखो इस जगह पर भी 0 हो जाएगा, इस जगह पर भी 0 होगा, केवल c की जगह पर बचेगा c 3 माइनस का 3 बट्टे 2 माइनस 1 और माइनस 3 बट्टे 2 और प्लस का 1, इसे देखो यूँ काट देते हैं, माइनस 3 बराबर c 2 एकम 2 और 3 माइनस के 5 बट्टे 2 और इंटू 2 एकम 2, ये बचेगा माइनस का 1 अपॉन 2, तो माइनस का 6 तो ये माइनस नहीं प्लस हो जाएगा, 5 बट्टे 4 c, तो c बराबर 24 बट्टे 5, माइनस का ये हो गया है। अब इसको थोड़ा सा हम साफ कर लेते हैं। अब a तथा b c के मान समीकरण के में रखने पर, तो इस जगह पे देखिए ये क्या है, इंटीग्रेशन 2x माइनस 3 बट्टे x माइनस 1 x प्लस 1 और 2x प्लस 3 dx बराबर, इसमें देखिए a का मान हमने कितना निकाला, माइनस का 1 अपॉन 10, तो माइनस 1 अपॉन 10 यहाँ 1 बट्टे x माइनस 1 प्लस, और इस जगह पे लगा देते हैं dx, b का मान हमने कितना निकाला है 5 बट्टे 2, तो इसे बाहर रख देते हैं 1 बट्टे
एक्स प्लस वन डी एक्स और सी का मान माइनस का 24 बट्टे 5 इंटीग्रेशन डी एक्स बट्टे 2x प्लस 3। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 1 बट्टे 10 लॉग एक्स माइनस 1 प्लस 5 बट्टे 2 लॉग एक्स प्लस 1 और माइनस का 24 बट्टे 5। अब इसे हम मान लेते हैं 2x प्लस 5 बराबर t, तो 2dx बराबर dt, तो dx बराबर dt बट्टे 2। तो इस 1 अपॉन t और dt कर देते हैं। तो अब इस जगह पर अगर हम चाहते हैं कि अगर कुछ कॉमन ले लिया जाए तो रहने दें, तो 5 बट्टे 2 log x प्लस 1 माइनस 1 बट्टे 10 लॉग एक्स माइनस 1 और इस 2 से ये कितनी बार कटेगा, 12 बार, माइनस 12 बट्टे 5 लॉग टी, और टी का मान हमारा कितना है 2x प्लस 5 और प्लस सी। इस सवाल